Good morning, children. Welcome back to our EVS class. So the chapter that we were reading or the explanation part was going in the last video was eating together. Now again in this video we have to cover up the second part of the chapter. Just have to take a quick revision of the chapter eating together. Yes, already it has been explained that eating together means yes, वो कौन कौन से मौके होते हैं जब हम इकट्ठा खाना खाते हैं. ओकेजन्स तो बहुत होते हैं. यूँ ऐसे नॉर्मल डेज में एवरी डिनर और मोस्ट ऑफ द टाइम इन द लंच ऑल्सो मेम्बर ऑफ द फैमिली वी यूज टू गैदर टुगेदर एंड वी हैव अवर मील द ईटिंग टाइम. बट हियर इन दिस चैप्टर इट हैज़ बीन स्पेसिफिक. जो खास चीज़ें आपको बताई गई हैं वो ये है कि जो हम खाना खाते हैं जो मील होती है और जब बहुत बड़े लेवल पर हम एक साथ खाते हैं उसके बहुत से ओकेजन्स होते हैं जैसे वेडिंग बर्थडे पार्टी इवन इन द क्लास पार्टीज ऑल्सो द चिल्ड्रेन ऑफ द स्टूडेंट और द चिल्ड्रेन ऑफ वन क्लास यूज टू ब्रिंग डिफरेंट थिंग्स दे एंजॉय द सिंग एंड डांस शेयर देयर थिंग्स देयर टिफिन्स एंड दिस वे दे ईट और एंजॉय द ईटिंग पार्टी टुगेदर. Okay, now here in this chapter the festival, the harvest festival known as Bihu celebrated in Assam has also been explained. Few of the children of Assam, they are very much excited to celebrate this festival. तो ये festival जो है Assam का जो कि Bihu कहलाता है वो January और फेबररी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है बेटा. इसमें बेला घर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेला घर बनाते हैं. वो किस चीज़ से बनता है? ग्रास और बैम्बू से बनता है. उस रात की फेस्टिवल के रात की जिस जो पहला दिन होता है जिसे हम उरुका कहते हैं द फर्स्ट डे. ओके, होल विलेज सारे लोग गांव के इकट्ठा होते हैं और इस बैम्बू ट्री पे फीस्ट अपने गैदरिंग करते हैं. वहां पर रात में खाना खाते हैं. नाजी मींस अ काइंड ऑफ बॉन फायर ऑल्सो दे यूज टू फायर. एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड, गाँव के सारे लोग पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. फिर अच्छी अच्छी सी डिशेज बनती हैं. डिशेज में चीवा राइस, यस very good dish that has been cooked. It is a quality of this meal or the rice ki use banana leaves mein banaya jata hai. The chiva rice, the pita is very popular and it has been explained by me. Ye sab pehle starter ke waqt humme pita rice ko present karte hain, then the chiva and then they are having their meal. So bela ghar agle din wo phir subah mein nazi. You can see the picture of here, it has been written MEZI bonfire. It is a kind of bonfire. सब लोग prayer करते हैं इसके आगे चारों तरफ round में खड़े होके कि हमारी फसल बहुत अच्छी जो हुई है वो अच्छे से हमें prosperity दे, हमें समृद्धि दे, हमें बहुत आगे बढ़ाए दे. Enjoy this feast with the rice, with the harvest of the rice. The night they stayed in the Belagar. पूरी रात वो लोग ये जो बैम्बू का घर बनाते हैं ना उसमें स्टे. सो मजानी सोनमनी वी शुड गो एंड स्लीप नाउ. वी हैव टू गेट अप अर्ली टमोरो टू लाइट द मेजी एंड बेलाघर ऑल्सो. इसको हमें जलाना होता है. सी यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ मेजी, अ काइंड ऑफ बॉनफायर. So this is also the very small and very interesting points of this chapter related with festival Bihu. Again I am explaining the point. Chiva rice is very important. Belagar is very important. Then Uruka, word Uruka is very important. So these are the very small points you need to learn of this chapter. Okay. So children, now the next point that has been the very next important discussion that has to be done in this chapter is midday meal. जब मिड डे मील मीन्स कि दोपहर का खाना, ये जब आधी दोपहर बीत जाती है सुबह के बाद से तो जो खाना खाया जाता है. सो लेट्स रीड वॉट हैज़ बीन गिवन इन दिस हेडिंग मिड डे मील. इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द मॉर्निंग afternoon. Okay, afternoon dopahar ka ek baj chuka hai. The smell of food cooking is coming from the veranda and our stomachs are rumbling. Kuch
खुशबू आ रही है बहुत अच्छे खाने बनने की, और हमारा पेट जो है उसमें रंबलिंग गुड़गुड़ाहट हो रही है, वी आर सो हंग्री, हमें बहुत भूख लगी है, वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन्स इन द क्लास, इवन द क्लास दैट इज़ गोइंग ऑन हमें उसमें ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं बिकॉज हमें तो बहुत तेज़ भूख लगी है. देन डिंग 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 एट लास्ट नाउ द बेल रैंग एज यू ऑल आर वेरी मच क्रेजी, मैम भूख लगी है, मैम लंच कब होगा. सो दीज आर ऑल्सो द चिल्ड्रन, दे आर वेरी 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 मच क्रेजी कि कब कब बेल होगी और कब हमें अपना लंच करने मिलेगा. ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड, सारे बच्चे बाहर आते हैं और अपने हाथों को धुलने लगते हैं. मास्टर Musai sent all the children to the hand pump at the corner of the courtyard. मैदान के किनारे पे जहाँ हैंड पंप लगा होता है वहाँ पर भेज देते हैं मास्टर जी. देन Anando see that everyone washes their hands properly. Okay, he called. वो कहते हैं एक आनंदों से कि सबको देखो कि सब लोग अपना हाथ अच्छे से क्लीन करें. After washing their hands, we all stood in a queue to take our food. सब हाथ धुलने के बाद हम क्यू में लाइन में खड़े हो जाते हैं ताकि हमें हमारा लंच मिल सके. ओके, सम हैड देयर ओन बॉक्सेस, कुछ लोगों के पास अपने बॉक्सेस होते हैं. एंड अदर्स हैड प्लेट्स, कुछ लोग प्लेट्स भी लेके आते हैं. देन वी ऑल सेट डाउन इन अ सर्कल, हम सब सर्कल में बैठ जाते हैं और फिर खाना खाते हैं. सो बिफोर वी ईट, वी स्टार्टेड टू ईट, वी सैंग टुगेदर, हम एक गाना गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं. वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर फॉर द फूड ऑफ एवरी वन, वी विल ऑलवेज बी टुगेदर, हम एक रहेंगे जब खाना खाएंगे, जब गेम खेलेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे. टुडे देयर इज अ बाट शॉक तो राइस विथ वेजिटेबल एंड ग्रेवी इन द इन आवर मील. ओके, आज का जो खाना था वो भात और शुक्तो मीन्स राइस विथ वेजिटेबल एंड ग्रेवी इन आवर मील, ये हमारे खाने में बना था. और येस्टरडे वी हैड लुची एंड छोला दाल, और अगले में एक दिन पहले या पीछे हम लोगों ने जो मील लिया था, जो लंच किया था, उसमें लुची थी और छोला दाल था. आउटसाइड मोनीज रूम अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम हैज़ बीन डिस्प्लेड, मोनी के रूम के बाहर जो जो आइटम्स हमें मिलने हैं उसका मेन्यू जो है वो चार्ट जो है वो डिस्प्ले होता है, लिखा हुआ है. वुड इट नॉट बी वंडरफुल इफ सम डेज वी गॉट एन एक्स्ट्रा ट्रीट, मे बी समथिंग स्वीट. अब वो इस बात को इमेजिन कर रहे हैं कि क्या ये कुछ और अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा स्वीट्स वगैरह हमें नहीं मिल सकती. So there is another interesting thing about lunch time at school. Every day we change our places in the circle and sit next to different children. अब एक और इंटरेस्टिंग बात, हर दिन हम अपनी जगह बदलते हैं सर्कल में और हर अलग अलग बच्चों के साथ बैठते हैं. आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रेन एंड मेक न्यू फ्रेंड दिस वे और दिस फॉलोइंग दिस पैटर्न आई मेक न्यू फ्रेंड. द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस, हर टाइम तो खाना इतना अच्छा नहीं होता, बट समटाइम्स राइस वॉज कभी कभी बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता है, समटाइम्स इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुकड इवन. वो ये आपस में कंप्लेन कर रहे हैं बच्चे कि कभी कभी राइस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है या कभी चावल अच्छे से पका हुआ नहीं होता है. सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रेन टू ईट सच फूड, इवन फ्यू ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट गिविंग द परमिशन टू द चिल्ड्रेन बेटा कि वो इस तरह का खाना खाएँ. दीदी मोनी एक्सप्लेन टू देम दैट इट वॉज एवरी वंस ड्यूटी टू मेक श्योर दैट द चिल्ड्रेन गॉट फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड. नाउ देयर आर द मॉनिटर्स, दीदी मोनी एक्सप्लेन टू देम कि एवरी वंस ड्यूटी टू मेक श्योर दैट द चिल्ड्रेन, हर बच्चे को गर्म ताज़ा और अच्छे से कुक किया हुआ खाना मिले. ऑल्सो मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स आफ्टरनून मील रेगुलरली, हर दिन बराबर से खाना बच्चों को मिलता रहे. द पेरेंट्स ऑल्सो डिसाइडेड टू हेल्प, इवन द पेरेंट्स आर कमिंग आउट, दे आर टेकिंग द इनिशिएटिव्स, वो कदम बढ़ा रहे हैं कि वो इस प्रॉपर एक अच्छी चीज़ को उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें या हाथ बटाएं. नाउ थिंग्स आर बेटर, वी ईट फ्रेश, और अब इस सब चीज़ों पे जब मॉनिटरिंग होने लगी है, जब अच्छे से देखभाल होती है, तो अब हमें अच्छा खाना स्कूल में मिलने लगा है. नाउ अडेज
Now things are better. We eat fresh, hot and properly good food together. The younger children sometimes cannot finish all the food, but my friends and I are sometimes still a little hungry even after we eat. छोटे बच्चे तो खाना पूरा नहीं finish कर पाते, लेकिन हम जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो खाना खाने के बाद भी थोड़ा hungry feel करते हैं. Nowadays many schools give food in school during the day. अब बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं बेटा, जो कि लंच देते हैं बच्चों को. गवर्नमेंट स्कूल, मैनी मैनी ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, दे आर प्रोवाइडिंग द मिड डे मील, जो कि दिन का खाना बच्चों को प्रोवाइड करते हैं. इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, ऐसे पहले शुरू में नहीं था, बट नाउ इट हैज़ बीन स्टार्टेड. व्हेन माय दीदी वाज इन प्राइमरी स्कूल, चिल्ड्रन डिड नॉट गेट आफ्टरनून मील इन द स्कूल. अभी कुछ इयर्स बैक इस तरह की स्कीम नहीं थी गवर्नमेंट के पास, बट रिसेंटली इट हैज़ बीन लॉन्च एंड वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिक्ट इसको फॉलो किया जा रहा है, दैट ईच एंड एवरी गवर्नमेंट स्कूल दे नीड टू प्रोवाइड गुड कुक हॉट एंड प्रॉपरली सर्व मील टू ईच एंड एवरी चाइल्ड, बिकॉज इट इज़ द राइट ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया. ये उनका हक है, ये उनका राइट है कि उन्हें खाना मिले. इसके पीछे बेटा कुछ रीजंस भी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत से बच्चे अभी भी इस तरह के हैं जो कि अनएजुकेटेड है, जिन्हें एजुकेशन नहीं मिलती, और उनका रीज़न ये है कि उनके पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट विलिंग और दे आर नॉट, उनको परमिशन नहीं देते हैं कि वो जाके अपना टाइम जो है वो स्कूल में वेस्ट करें या स्कूल में दें वो टाइम, वो उनके साथ उनके स्किल उनके कामों में हाथ बटाएं, जिससे उनके घर में अर्निंग हो. और अर्निंग का मतलब ये कि जिससे वो घर में खाना ला सके. खाना इज़ द बेसिक नीड, फूड इज़ द बेसिक नीड, सो दे नीड टू कम्प्लीट देयर फर्स्ट वेरी बेसिक नीड, दैट इज़ फूड. सो गवर्नमेंट ने जब देखा तो कि ऐसे तो एजुकेशन हमारी बहुत पिछड़ जाएगी, हमारा देश बहुत पिछड़ जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी स्कीम लॉन्च करें, एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे पेरेंट्स जो हों जब वो सेटिस्फाई होंगे कि हाँ उनके बच्चे को भर पेट खाना मिल रहा है और अच्छा खाना मिल रहा है जिसके साथ साथ वो पढ़ भी सकते हैं, तो माइट बी देवर इन अ फॉर्म ऑफ सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन बैक टू स्कूल. तो इस तरह से वो अपने बच्चे को एक अच्छा खाना एक उसके लालच में वो स्कूल भेजेंगे, तो इस तरह से वो उन्हें एजुकेशन भी अच्छी मिल सकती है और प्रॉपर उनकी न्यूट्रिशियस उनकी फूडिंग भी हो सकती है. सो जब यहाँ पर एक बच्चा बता रहा है कि उसकी दीदी जब प्राइमरी स्कूल में थी तो ऐसा कुछ नहीं था, बट नाउ इट हैज़ बीन लॉन्च. सम चिल्ड्रेन कम टू स्कूल इन द मॉर्निंग विदाउट ईटिंग एनीथिंग. सी हाउ पैथेटिक, हाउ सैड चिल्ड्रेन, कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं अभी भी जो कि बिना कोई ब्रेकफास्ट किए, बिना किसी तरह का कुछ खाना खाए हुए, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट वो स्कूल में चले आ जाते हैं. हैविंग टू स्टडी ऑन एन एम्प्टी स्टमक, वो खाली पेट स्कूल में पढ़ने के लिए चले आते हैं. सो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर, अ वेरी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ टू बी एक्सप्लेन चिल्ड्रेन. जस्ट दिस इज़ मिड डे मील. यू नीड टू लर्न दिस ब्लू पैराग्राफ विद द हेडिंग मिड डे मील एवरी चाइल्ड्स राइट. लेट मी रीड फर्स्ट. Many children in our country are not able to get even one full meal every day. So, इस लाइन में बताया जा रहा है बेटा कि हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि एक पूरे दिन का एक टाइम का भी खाना उनको नहीं मिल पाता. Many of them go to school empty stomach. बहुत से बच्चे आज भी खाली पेट स्कूल पढ़ने के लिए चले जाते हैं. तो जब आपका पेट खाली होगा आप कुछ खाओगे ही नहीं, तो आपका दिल आपका दिमाग कैसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो. येस यू कांट मेक योर सेल्फ कॉन्सेंट्रेट, आप फोकस ही नहीं करोगे अपनी पढ़ाई पे. सो सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री गेव एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. हमारे देश की हाईएस्ट कोर्ट ने एक फैसला लिया, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया कि ऑल द चिल्ड्रेन अप टू एलिमेंट्री स्कूल तक के सारे बच्चे शुड बी प्रोवाइडेड विद हॉट कुक्ड फूड. 8th class तक के सारे बच्चे फ्रॉम क्लास नर्सरी टू द 8th class दे विल प्रोवाइड, उनको हर स्कूल सरकारी स्कूल पका हुआ गरम खाना प्रोवाइड कराएगा देगा. दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. ये हर देश के हर बच्चे का ये राइट है, उनका हक है ये उन्हें कि उन्हें गरम खाना दिया जाए और उन्हें साथ साथ में पढ़ाया भी जाए.
So this is what about children, midday meal, every child's right. Now here are few questions. I'll be giving you the answers in the next video as well as the PDF to write in your classwork copy. So write about the food given in your school. If you do not get food in school, ask a friend or someone else who gets food in the school. So children, this is for your information. If you are not getting your food in your school, doesn't matter. You can see around you many of the teachers or in your relations, if any of your aunt is working in a government school, you can ask about the midday meal ki auntie ya जो भी कोई तुम्हारा कज़िन या कोई भी आपके रिलेशन रिलेटिव नियर डियर वन काम करते हैं, यू कैन आज देम और दे कैन गिव यू द इंफॉर्मेशन मोर अबाउट मिड डे मील. व्हाट टाइम इज मील सर्व, व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल, क्या खाते हो, या एनी ऑफ द चाइल्ड इफ़ यू आर मीटिंग हु इज स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल एंड गेटिंग द मिड डे मील, यू कैन आस्क ऑल दीज क्वेरीज. इज द फूड दैट यू गेट इनफ, क्या वो तुम्हारे लिए पूरा होता है. सो डू यू ब्रिंग योर ओन प्लेट, क्या तुम अपना ही प्लेट लेके आते हो या स्कूल से प्रोवाइड होती है. हु सर्व द फूड, देर आर मैनी क्वेश्चन, देर मैनी क्वेरीज यू कैन आस्क. डू योर टीचर्स ईट विथ यू, क्या तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ खाते हैं. एक ही मेन्यू स्कूल बोर्ड पे लग जाता है. इज़ द वीक्स मेन्यू पुट अप ऑन द बोर्ड. व्हाट विल यू गेट ऑन वेनसडे एंड फ्राइडे, को क्या मिलता है. सो एंड द लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू गॉट अ चांस टू चेंज द मेन्यू ऑफ द मील इन योर स्कूल, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज. सो अगर आपको एक मौका मिले कि आपको मेन्यू बदलना है तो तुम क्या क्या बदलोगे. व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, मेक योर ओन मेन्यू, अपना एक ओन मेन्यू बनाओ. तो इसे ये वाला क्वेश्चन तो बेटा यू ऑल कैन एन्जॉय. अगर इफ़ यू गॉट अ चांस लाइक दिस टू मेक अ मील चार्ट टू गेट फूड ऑफ योर ओन चॉइस, हाउ विल यू मेक एन फूड चार्ट. ओके, सो द डे मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे एंड यू हैव टू राइट द food items. So this is all in this chapter, children. Enjoy this activity and remember, this is very important chapter. You have to learn about midday meal and of course about the festival of Bihu. Okay, in the next video we are going to cover up the writing part of this chapter. Okay children, till then be happy and be safe.